అథర్వవేదమావాహయామి సామవేదాయ నమః సామవేదమావాహయామి సర్వేభ్యో వేదపురుషేభ్యో నమః సర్వోపచారార్థే పరిమళపత్రపుష్పాణి సమర్పయామి. రజ్జౌ వాసుకీమావాహయామి ఆధారే కూర్మమావాహయామి. ఐరావతమావాహయామి. హర్షర్థ హి హస్ గాన్ టు గెట్ సంథింగ్. महालक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा में यज्ञ करने के लिए जो अग्नि होती है, एक और एक बात बता दूं आप सबको, इसी को कृष्णा जी और स्वामी जी यहाँ पर इंग्लिश में कहेंगे. महालक्ष्मी की मूर्ति जो यहाँ पर है वो एक पत्थर है. उस पत्थर में इन 9 दिन पूजा करके, मंत्रों के द्वारा, पूजा के द्वारा, आप सबकी श्रद्धा से एक पूरा ऐसा अपूर्व एक ऐसी शक्ति प्रकट करेंगे और वो पूरी शक्ति मध्यपीठ में रखे हुए उस कलश में जाएगी और वह पूरी शक्ति अंतिम दिन मूर्ति में हम रखेंगे मंत्रों के द्वारा. उसको कहते हैं कुंभाभिषेकम प्राण प्रतिष्ठा. तो ये सब पूर्व विधि करने के लिए प्रमुख तत्व अग्नि है. अग्नि में ही सभी देवताओं का आवाहन होगा, पूजन होगा. तो वो अग्नि कहाँ से लाई जाए? ऐसी कई जगह बताइए जहाँ से पवित्र अग्नि लाना चाहिए. तो उसमें सबसे श्रेष्ठ जो अग्नि है वो ये 2 काष्ठ को घर्षण करके जो अग्नि निकलेगी, जो तिनका निकलेगा, उस तिनके से अग्नि करेंगे, वो सर्वश्रेष्ठ अग्नि है. तो अरणि मंथन के द्वारा हम अग्नि प्रकट करेंगे. इस पूजा को कहते हैं अरणि मंथन. पति पत्नी मेहनत करते हैं, पति उस डंडे को पकड़ते हैं और पत्नी वहाँ मंथन करती है. तो पहले पंडित जी थोड़ी पूजा करेंगे, बाद में सब आएंगे और पति पत्नी की मेहनत से जो अग्नि आएगा उसी अग्नि में आहुतियों के द्वारा महालक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे और ब्रह्मांड से महालक्ष्मी को बुलाकर हम कुंभ में स्थापित करेंगे. बोलो अग्नि नारायण भगवान की जय.